गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट, वो है रिबेट अ बिल अंडर डिस्काउंट। नेक्स्ट है रिबेट अ बिल अंडर डिस्काउंट, ठीक है। इसको कराते हैं क्वेश्चन तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1st January 2018 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ऑन दैट डेट बलबीर एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर ₹8,000 पेबल 3 months आफ्टर साइट। हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March and discount and allow a discount rebate of 18%। Show the entries। तो एंट्री कैसे होगी? दो पार्टी हैं, एक है अजय है और एक बलबीर है। In the books of Ajay and the Kyanga in the books of Balbir, ठीक है। पहली डेट क्या है? 1st January 2018 को अजय ने गुड्स सोल्ड किया। अजय ने गुड्स सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया? बलबीर को। बलबीर डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बी गुड्स सोल्ड टू बलबीर, ठीक है। कितने के गुड्स भेजा? 10,000 का गुड्स था जिसपे 20% डिस्काउंट। 10,000 और 20% होता है 2,000, तो गुड्स कितने का बिका? 8,000, ठीक है। ये एंट्री क्या करेगा? 1st 2018 को परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय बी गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, कितने का? 8,000 एंड 8,000, ठीक। इसके बाद सेम डेट पे क्या हो गई? बिल एक्सेप्ट हो गई, बिल ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बलबीर, ठीक। कितने की? 8,000 बी बिल ड्रॉन बाय अजय, अजय ने बिल ड्रॉ कर ली। अब सेम डेट पर बलबीर ने एक्सेप्ट कर ली, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या होती है? अजय डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,000 और 8,000 बी बिल एक्सेप्टेड बाय अजय, ठीक है। उसके बाद हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March एंड वाज अलाउड अ रिबेट ऑफ। अब देखो बिल है 3 months 1st January को, और बिल की ड्यू डेट कब आएगी? 3 महीने की है, जनवरी से फेब, मार्च, अप्रैल, 1st April प्लस 3 days, तो 4th April आपका क्या आएगा? ड्यू डेट। लेकिन बलबीर के पास सरप्लस फंड, उसने क्या किया? 4th March को ही पेमेंट कर दिया। जब बलबीर के पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसने कब पेमेंट किया? 4th March को पेमेंट कहाँ करना था? 4th April को, तो उसने पहले पेमेंट किया। कितने दिन पहले पेमेंट किया? उसने 1 महीना 1 month उसने प्रीपेड कर दिया, तो उसको 1 month का क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। मतलब अजय को 1 महीने अजय को बलबीर को 1 महीने का फायदा मिलेगा, ठीक है, और ये इसको रिबेट देगा और ये रिबेट लेगा।
एंट्री देखना इसकी। ये पेमेंट कर रहा है, डेट क्या है 4th मार्च, ठीक। ये पेमेंट कर रहा है किसके बदले, बिल्स के बदले, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक। बिल थी 8000 की, ठीक। रिबेट इसको कितना मिलेगा, रिबेट इसको मिलेगा एक महीने का, बिल का अमाउंट कितना है 8000 और रिबेट का रेट कितना है 18%, 18/100 इंटू 1/12। ये 1/12 क्यों, क्योंकि उसने एक महीना पहले पे किया, तो उसको फायदा कितना मिलेगा एक महीने का, ये कितना जाएगा 8000 इंटू 18% डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 120। इसको फायदा कितने का मिलेगा 120, ठीक है। तो 120 का इसको बेनिफिट मिला, तो पेमेंट ये कितना करेगा 8000 माइनस 120, ये आ गया 7880 बी अमाउंट पे एंड रिबेट रिसीव, ठीक है। अब ये क्या होगा 4th मार्च को इसको पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, इसने रिबेट दिया तो रिबेट और बिल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल थी 8000 की, 120 रुपए का इसने रिबेट दे दिया, तो फायदा कितना मिला 7880, ठीक है। बी अमाउंट रिसीव एंड रिबेट गिवन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक कॉपी करने से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका आगे का टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।